मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा DBEE को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आने का, आपसे रूबरू होने का, और स्पेशल थैंक्स टू रूपसी मैडम, जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यहाँ पे मैं आके आपसे बातचीत करूँ, और महिंद्रा कॉलेज मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन। सो अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और स्लाइड के ऊपर चलेंगे। लास्ट में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर प्रेजेंटेशन इज नॉट शोइंग। सर एप्लीकेशन विंडो विच शो नहीं कर रही प्रेजेंटेशन, हाँ जी सर, एप्लीकेशन विंडो दे विच नहीं शो कर रही सर प्रेजेंटेशन। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, आगे हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है जी। हाँ जी, हाँ जी सर, बस ऑन हो रहा है जी। ओके जी, हाँ ओके सर, चल रही है, यू कैन रन इट फुल स्क्रीन सर, कल जी मैं। हाँ जी, ओके जी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो इश्यूज हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम प्रिवेंशन के बारे में बात क्यों करें, ड्रग एडिक्शन के बारे में हमें सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब तक हमें इस चीज का पता नहीं होगा कि हमें इस चीज की क्या जरूरत है, तब तक हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं बन सकता। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि हम इसके बारे में बात क्यों करें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन हमारी हेल्प कैसे करती है, प्रिवेंशन का फायदा क्या होगा अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो इसका क्या फायदा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंशन में, हाँ हमारा सोसाइटी में क्या रोल है। थर्ड हम बात करेंगे जो मिथ्स हैं यूथ के अंदर नशे को रिलेटेड, क्यों नशे पे लगते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप आने वाले टाइम में अपने आप को नशे से बचा सकें। और लास्ट में हम बात करेंगे अगर टाइम बचा तो मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में। और थोड़ा सा हम डिस्कस करना मैं चाहूंगा कि इलाज के बारे में हमारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि नशे का इलाज होता है या नहीं होता, होता है तो फिर मरीज दोबारा नशे पे क्यों लग जाता है। तो इसके इर्द गिर्द हमारा टॉपिक रहेगा आज का। आई होप कि आप सब एंजॉय करोगे, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो शुरुआत करते हैं कि हमने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी बहुत सारी कि शराब के क्या क्या नुकसान होते हैं, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने अक्सर देखी हैं ऐसी तस्वीरें और आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्मोकिंग है या नशा है उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं, कैंसर हो जाता है ऊपर से लेके सिर से लेके पांव तक, हर तरह के कैंसर होते हैं। या आप पढ़े लिखे हो, आपने कहीं ना कहीं ये चीजें सुनी होंगी। और ऐसी तस्वीरें तो अक्सर हमने देखा है कि गुटखा हो पान मसाला हो उसके ऊपर ऐसी तस्वीरें भी बनी होती हैं। तो ये सब कुछ दिखा लिखा होता है, दिखाया जाता है, तो ये तो जो पीने वाला उसको भी पता है ना, जो बेचने वाले उसको भी पता है, जो पी रहा है उसको भी पता है, हर जगह टीवी पे न्यूज पे उनको बता दिया गया। अगर वो फिर भी कहते हैं कि हाँ यार हमें पता है कि यार ये नुकसान करता है, उसके बाद अगर हम पीना चाहते हैं तो फिर हम क्यों टेंशन लें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पीने वाला कह रहा है कि मुझे पता है नुकसान होंगे तो मैं फिर भी पीऊंगा, तो भी फिर ये समाज सरकार इतनी टेंशन क्यों लेती है इस चीज के बारे में और हम इसके बारे में क्यों सोचें। आपके दिमाग में कई सारे थॉट होंगे। वैसे मुझे आदत है कि इंटरेक्टिव सेशन लेता हूँ लेकिन यहाँ पे शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि आप जो भी है एक बार सोच कर देखें कि हम इसके बारे में क्यों सोचें। चलते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। फर्स्ट थिंग कि ये जो नशा है ये एक आदमी की समस्या नहीं है, ये एक आदमी की बीमारी नहीं है, ये एक फैमिली प्रॉब्लम है। जब एक आदमी एक परिवार में नशे पे लगता है तो सिर्फ उसको ही ये नशा अफेक्ट नहीं करता बल्कि उसकी वाइफ को, उसके माता पिता को, बच्चों को, इवन के हर फैमिली मेंबर को इस चीज से जूझना पड़ता है। बच्चों के भविष्य पे फर्क पड़ता है, घर के फाइनेंशियल हालत पे फर्क पड़ता है। ये एक आदमी की समस्या नहीं है, अगर कोई एक आदमी नशे पे लगता है तो दिस इज अ फैमिली प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग,
मान लीजिए आप नशा नहीं करते, आप कहोगे कि मैं तो नशा करता ही नहीं हूं, आप गाड़ी चला रहे हो, आप नशा नहीं करते, लेकिन कोई और आदमी नशा करके अगर आप में आके गाड़ी एक्सीडेंट कर देता है, देन उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सो इन शॉर्ट, आप चाहे नशा नहीं करते, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि नशा खतरनाक है, अगर कोई और आदमी भी कर रहा है वो भी आपका नुकसान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका थोड़ा सा मैं एनालिसिस करेंगे, आप देखिए एक्सीडेंट के सबसे बड़े कारण, बहुत सारे कारण होते हैं एक्सीडेंट के, लेकिन सबसे बड़ा कारण है जो 32% के आसपास निकल कर आता है, उसका सबसे बड़ा कारण है ड्रिंक एंड ड्राइविंग। सो जो लोग नशा करके शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वो सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट का। अब ये सारी जो डेथ्स हैं ये प्रिवेंटेबल हैं, इनको बचाया जा सकता है अगर हम नशे को समझें, नशे की जो प्रॉब्लम है उसको डील करना सीख लें, तो ये बहुत सारी जो मौतें हैं इनसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, क्राइम। आप देखिए जितने भी क्राइम होते हैं उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है आदमी को, उसको प्रॉपर जो है ग्रोथ नहीं हुई, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, या फिर वो नशा करता है। सो ये आसपास अगर देखेंगे तो क्राइम का बहुत बड़ा, क्राइम में जो ये जो ज्यादातर क्राइम होते हैं उसमें जो नशे का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, अब ये छोटे मोटे जो क्राइम करने वाले हैं जेलों में जाते हैं, जेलों में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पे ये और क्राइम क्रिमिनल लोगों से मिलते हैं, इनके हौसले खुल जाते हैं और इनका जो डर है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो यही जो चोरी करने वाले थे, ये जो लड़ाई झगड़े करने वाले थे, यही आगे चलकर रेपिस्ट बनते हैं। कोई भी एक नॉर्मल आदमी जिसको होश है एंड ही इज नॉर्मल, तो वो कभी भी ये रेप वगैरह नहीं कर सकता। रेप करने वाला अगर आप देखेंगे तो दो ही कारण मैक्सिमम होते हैं, एक तो रीजन होता है मेंटल हेल्थ इशू, या तो उसको कोई मानसिक समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है, किसी मानसिक परेशानी से वो जूझ रहा है जिसका आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए और उसका इलाज नहीं हम करवा पाए, और दूसरा बड़ा कारण होता है नशा। जब भी आप देखेंगे, यही मैंने जेलों में भी ड्यूटी दिया है, मानसा जेल में मैं ड्यूटी दे के आया हूँ, सेंट्रल जेल पटियाला में भी मैंने ड्यूटी दी है, और मैं जलंधर कोटला जो सेंट्रल जेल है उसमें भी मैंने ड्यूटी दिया, तो वहां पर जो मैं क्रिमिनल देखता हूँ तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन या तो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, या फिर यही जो लोग हैं नशा करके ही ये काम करते हैं। थर्ड चीज आप देखेंगे तो अब ये नशा करने वाले जो इनका खर्चा इतना होता है, आप आइडिया लगा सकते हो कि जो कम जो हेरोइन हम सुनते हैं चिट्टा या वाइट, इसका खर्चा कि इसका प्राइस क्या होगा, इसका रेट क्या है मार्केट में? इसका प्राइस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो लगभग 3,000 रुपए का 1 ग्राम, और 10 ग्राम एक तोला अगर हम लगा के चलें तो एक तोले का रेट बनता है लगभग 30,000 से 40,000 रुपए। अगर हम सोने से कंपेयर करें तो कई बार ये सोने से भी महंगा हो जाता है। तो इतना महंगा नशा कर रहा है जो आदमी, वो नशे के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे तो होते नहीं इतने इनके पास, तो ये फिर पैसे लाने के लिए ये क्या करते हैं? तो मेन जो इनका सिस्टम होता है, तो ये चेन स्नैचिंग, चोरी, ये चीजें जो आप आसपास देख रहे हो आजकल, तो चेन स्नैचिंग बहुत बढ़ गई, कोई पर्स छीन के भाग गया, बाइक पे आए लड़के दो और ऐसे गहने उठा के भाग गए। सो ये ज्यादातर जो क्राइम है ये कहाँ से होता है? ये नशा करने वालों का ही होता है। अगर हम नशे को कंट्रोल कर लें तो ये जो क्राइम है अपने आप 90% के आसपास कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो माफिया है, आप देखो अंडरवर्ल्ड है जो ये सारा, तो ये अपनी फंडिंग कहाँ से करते हैं और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से होती है? तो देखो ये ऐसा तो है नहीं अखबार में आती है कि यार हमें गुंडे चाहिए, आप हमारे पास 5 गुंडों की जरूरत है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो ये कैसे चुनते हैं आदमी? जो नशे करने वाले पहले नशे पे लगाते हैं, फिर वो नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से जो माफिया की रिक्रूटमेंट है, जो इनका मैनेजमेंट है, जो ये सब कुछ चलता है, तो ये सारा पैसे के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमने तो ये अक्सर देखा होगा गैंगवार, 10 लड़के आते हैं, एक लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं और पीट के भाग जाते हैं। तो पूछो लड़के से जिसको पीटा गया कि यार कौन थे, वो कहता है मैं तो जानता भी नहीं। तो ये कौन लोग होते हैं? तो ये वही लोग होते हैं जो क्या होता है, नशा दो, किसी को शराब पिलाई, किसी को वाइट दिया, किसी को गोलियां दी और उसको खिलाया और कहते हैं कि यार आपका नशा आज का मैंने पूरा कर दिया और मुझे एक आदमी को पीटना है, और ये 10 लड़के जाते हैं, बाइक पे जाते हैं या किसी गाड़ी में जाते हैं और एक आदमी को पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, आप जिसको नहीं जानते आप उसको कैसे बिना बेरहमी से पीट सकते हो? नहीं पीट सकते। तो इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो जो गैंग वार्स होती है, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं एडिक्शन जुड़ी हुई है। सो एक और चीज,
हम देखते हैं कि बम ब्लास्ट हुआ, 100 बंदे मर गए, 40 बंदे मर गए, 50 लोग मर गए, 1000 लोग मर गए। सो हर साल हर देश में ये समस्याएं पैदा हो रही हैं कि टेररिस्ट आते हैं, गोलियां चला देते हैं। अब कभी आपने सोचा है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इनके पास ये गन्स कहाँ से आती हैं, तो ये जो अपना खर्चा कैसे पूरा करते हैं? कोई भी स्टेट है, कोई गवर्नमेंट है, तो वो अपनी आर्मी को पैसे देना कितना मुश्किल है, उनके लिए रिक्रूट करना, हथियार लाना, सब कुछ। लेकिन ये टेररिस्ट कहाँ से लाते हैं ये फंडिंग? सो इसका बहुत बड़ा सोर्स जो ये अरब कंट्रीज हैं, ये नशा बेचते हैं, और जो नशे से जो पैसा इनकी अर्निंग होती है उसी से ये टेररिज्म चलता है। अब आप सोच कर देखिए, कई बार हमें लगता है कि यार हमें क्या लेना देना, कि यार अगर कोई नशा कर रहा है तो करने दो, ये तो उसकी समस्या है ना, ये तो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम एक समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक समाज में किसी एक जगह पर भी कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे वो आप तक पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि कोई कर रहा है नशा तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं, किसी का बच्चा है उसको जो करता है करने दो, तो ये बात याद रखिए, ये आपकी गलतफहमी है। आज नहीं तो कल जी, ये जो आग है ना, हम अक्सर देखते हैं कि गर्मी के दिनों में, हेलो, हम अक्सर देखते हैं कि गर्मी के दिनों में खेतों में आग लग जाती है। तो जो किसान है जिसका खेत बहुत दूर है और वो अगर दुश्मन के खेत में भी आग लगे तो वो ये नहीं सोचता कि यार वो हम और सरकार आएगी, सरकार की गाड़ियां आएंगी, फायर ब्रिगेड आएगी और वो आग बुझाएगी। वो दुश्मन का खेत गया तो भी वो किसान बाल्टियां ले लेके भागेंगे, उस आग को बुझाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि आग को नहीं पता वो किसका खेत है ना। अगर आग सही समय पर नहीं बुझाई गई तो धीरे धीरे वो सबके घरों में, आज अगर पड़ोसी के घर में आ गए तो वो कल मेरे घर में भी पहुंच जाएगी। सो जो ये नशा है जहां पर है जैसा भी है, इसको अगर यही रोक दिया जाए तो अच्छा है, वरना आज कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यार, कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज के लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो वो कहते हैं यार हमें क्या लेना देना, हमारे बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, हमने अच्छी एजुकेशन ली है, तो हम क्यों इसके बारे में चिंता करें, हम नहीं नशा करते, हमारे बच्चे नशा करते हैं, व्हाई टू थिंक अबाउट दिस। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अच्छे घरों के बच्चे नशे पे के रिस्क पे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? जो ये नशा करने वाले ये पैसे कहाँ से लाते हैं? इसका सबसे बड़ा सोर्स यही है कि जब पैसे आने बंद हो जाते हैं, हर आदमी तो चोरी नहीं कर सकता, हर आदमी तो चेन स्नैचिंग नहीं कर सकता, तो ये फिर आम जो लोग हैं ये पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, ये देखते हैं आसपास किसी के मम्मी पापा कमाते हैं, अच्छी इनकम है, तो इसके पास पैसे हो सकते हैं, तो उसको जबरदस्ती झूठ बोल के कोई ना कोई बात सुना के उसको नशे पे लगा देते हैं। तो अब दो तीन दिन नशा ऐसा है, अगर दो तीन दिन किया उसके बाद उसको इसकी क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, विदड्रॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो बंदा करेगा क्या? तो फिर उस आदमी को पैसे पूरे करने के लिए चोरी करनी पड़ेगी। अब मान लो पैसे पूरे ले आया घर से, लेकिन उसको ये तो पता नहीं नशा कहाँ से मिलता है, तो वो नशा कहाँ से लेगा? जिस आदमी ने उसको नशे पे लगाया तो वो उसी को पैसे देगा, तो वो जो नशा लगाने वाला था वो अपना नशा भी पूरा करता है और उसके लिए भी ले आता है, तो इस तरीके से ये नशा बढ़ता जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखिए आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आपको इफेक्ट करने वाला है। ये गलत फहमी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस चीज को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है और इस चीज के बारे में हमें सबको कुछ ना कुछ एफर्ट करने चाहिए। अगर आसपास कोई बंदा हमें दिख रहा है तो वी मस्ट ट्राई टू हेल्प हिम, हमें उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट करे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिवेंशन वर्सेस क्योर। देखिए एक चीज समझिए, जो प्रिवेंशन है इट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, लेकिन नशे केस में तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक बार आदमी जो नशे पर लग गया, हेलो, एक बार जो आदमी नशे पर लग गया उसकी ट्रीटमेंट बहुत 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 मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर कोई नशे पे नहीं लगा, उसको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही गाइडेंस दी जाए, तो उसे नशे से बचाया जा सकता है। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिसोर्सेज भी बचते हैं। सो बेटर यही है कि हम नशे से बचाएं। और एक चीज समझिए, जो ऑलरेडी नशे पे लग चुकी है पॉपुलेशन, आज 10 लाख 20 लाख जितने भी यूथ है जो लग चुके हैं, उनका तो ट्रीटमेंट करना ही चाहिए और सरकार कर भी रही है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, आज के बाद एक भी बंदा, एक भी बच्चा, एक भी बच्ची नशे पे ना लगे आगे से। जहां पर ये प्रॉब्लम है वहीं तक सीमित की जाए और आगे जो लोग हैं उनको सही इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि हम अपनी सोसाइटी को इस प्रॉब्लम से बचा सकें। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको
हम आगे बात करते हैं। अब जो ये प्रिवेंशन का जो मैं आपसे आज डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या होगा? एक्चुअली ये जो आज का सेशन है, बेसिकली दिस इज लाइक एंटीवायरस। आप सब आज कंप्यूटर यूज करते हैं, आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं, ये लैपटॉप में, कंप्यूटर में एंटीवायरस आप सबने लगाया होता है। एंटीवायरस क्या होता है? बेसिकली एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में आने वाले किसी भी मालवेयर को पहचान लेता है और उसको डिलीट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसको ये ट्रेंड किया गया है कि जब भी कोई गलत चीज आए उसको पहचानना कैसे है और उसको डिलीट कैसे करना है। सो ये आपके कंप्यूटर की हेल्प करता है इस चीज में। लेकिन एक बात याद रखिए कि हम एंटीवायरस कब लगाते हैं? जब वायरस आ जाता है उसके बाद तो नहीं लगाते ना, हम तब लगाते हैं जब कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं है, नया कंप्यूटर है, हम उसी में एंटीवायरस लगा देते हैं ताकि आने वाले टाइम में इसके अंदर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आए तो ये उसको डिलीट कर सके। सो आज का जो सेशन है ये भी एक किस्म से आपके दिमाग में एंटीवायरस लोड किया जाता है, किया जा रहा है। सो आपके, आप देखो नशे पे क्यों लगते हैं लोग, उसका पीछे रीजन क्या है? जब भी कोई आदमी, बच्चा या बच्ची नशे पे लगेगी तो वो किसी ना किसी गलत फहमी की वजह से ही नशे पे लगते हैं। देखिए जैसे हर जानवर को फंसाने के लिए अलग टूल होता है। मान लीजिए आपने किसी फिश को फंसाना है, एक मछली को पकड़ना है, तो उसके लिए एक अलग टूल होता है। हम आटा लगा के एक वो जो नॉब होती है उसके द्वारा हम मछली को पकड़ लेते हैं, उसका अलग तरीका है। लेकिन ये जो नशे पे लगाने वाले लोग हैं, इनके पास भी एक टूल होता है जिससे वो अपने बच्चों को, नए लड़कों को, लड़कियों को नशे पे लगाते हैं। तो वो टूल क्या है? बेसिकली वो मिथ्स होते हैं, कुछ ऐसी गलत फहमियां होती हैं जिन जो हम बच्चों को सुनाते हैं और उस वजह से वो नशे पे लगते हैं। अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी होगी कि ये नशा ये काम करता है या नहीं करता और ये आगे जाके क्या नुकसान करेगा, तो आप आने वाले टाइम में जब भी आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको नशे पे लगाना चाहेगा तो आप उसको पहचान लोगे कि यार ये मुझे मिसलीड कर रहा है, ये मुझे गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। आप उसको पहचान भी सकोगे, उसको काउंटर भी कर सकोगे। अगर आपका यार दोस्त कोई इस नशे पे जा रहा है तो आप उसको सही इंफॉर्मेशन देके शायद उससे बाहर निकाल सको। सो आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मैं एक डिएडिक्शन सेंटर में काम कर रहा हूँ और मेरे पास साल में हजारों पेशेंट मेरी आंखों के सामने से गुजरते हैं। तो बहुत सारे लड़के जो अच्छे घरों से है, पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, जब उनसे बात होती है कि यार तू नशे पे कैसे लगा, तू तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, इतनी अच्छी फैमिली से है, तो आप नशे पे लग कैसे गए, तो वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। और वो यही कहते हैं कि काश किसी ने पहले बताया होता सर ये बातें पहले, तो हम कभी भी नशे को हाथ भी ना लगाते। अगर हमें पता होता है आने वाले टाइम में नशा हमारे साथ ये कुछ करेगा और हमें ये समस्याएं आएंगी, तो शायद हम कभी भी नशे को हाथ ना लगाते। तो आज के दिन में आपको वो सारी बातें सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कम से कम आप आने वाले वक्त में अगर नशे पे लगते हो तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि यार काश किसी ने बताया होता, क्योंकि तो आपको आज सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आप लगते हैं या नहीं लगते तो वो गलती से नहीं होगा, वो आपकी चॉइस होगी। सो इसलिए इस सेशन को बड़ा ध्यान से सुनिए। पहली गलत फहमी जिस वजह से बहुत सारे नशे पे लगते हैं लोग, एक बार में क्या हो जाएगा, जस्ट ट्राई, एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, एक बार में कोई मर तो नहीं जाएगा। तो ये सोचकर कई बार हम ट्राई कर लेते हैं, हम कहते हैं यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार तो हर चीज ट्राई करनी चाहिए। जब भी लोग नशे पे लगते हैं तो उसका एक फर्स्ट सिस्टम यही होता है कि यार आज तेरे यार की शादी है, तू एक पैग लगा या एक लाइन लगा और फिर ट्राई कर ले, बाद में तू मत करना। तो हमें भी लगता है यार ये पी रहा है तो हमें क्या हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, नेवर ट्राई, कभी भी नशे को ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? देखिए ये जो फर्स्ट टाइम है ना, ये एक किस्म से लक्ष्मण रेखा वाली बात है। आपने रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण जी एक रेखा खींच गए थे, सीता माता को कहा कि मैया जब तक आप इस लाइन के अंदर रहोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर आप इस लाइन को क्रॉस करती हो तभी आप मतलब रिस्क पे आ जाओगी, सो इस लाइन के अंदर रहिए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सो ये नो नो नो, मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आप उस लक्ष्मण रेखा के अंदर है।
जैसे ही आपने एक स्टेप बाहर किया, एक बार ट्राई किया, ये बिल्कुल वैसे जैसे सीता माता ने उस लाइन को क्रॉस किया, जैसे ही हमने नौ वाली लाइन को क्रॉस किया कि एक बार में क्या हो जाता है, तो आप जानते हैं कि फिर रामायण में क्या हुआ था। और वो तो फिर भी बहुत लंबी हुई, रामायण पूरी लिखी गई, युद्ध हुआ, फिर माता वापिस आ गई, लेकिन ये जो लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा हूँ, ये दूसरी लक्ष्मण रेखा, वो कॉकरोच वाले होते हैं जो हम ऐड देखते हैं ना, जो पार करे वो मरे। सो ये नशा एक ऐसी चीज है, जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं, एक झिझक होती है कि ना नशा नहीं करना, नहीं करना। अगर एक बार आपने कर लिया, वो बॉर्डर आपने क्रॉस कर लिया, तो आप रिस्क पे आ गए। सो बेटर यही है कि आप इस लाइन को कभी भी क्रॉस ना करें। आप अपने मर्यादा के अंदर रहेंगे तो पूरी दुनिया की बुराई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखिए, समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसमें पानी भी बहुत होता है, लेकिन वो सारा पानी मिलकर भी एक छोटी सी किश्ती को नहीं डुबो सकता। किश्ती को जो समुद्र का पानी है वो नहीं डुबोता, किश्ती को जब भी डुबोएगा वो पानी डुबोएगा जो किश्ती के अंदर चला गया। सो बाहर जितना मर्जी नशा हो जाए, कितना भी नशा हो, सारे घरों में नशा हो जाए, लेकिन आपको वो नशा नुकसान नहीं करेगा, आपको नुकसान वही नशा करेगा जो आपके अंदर चला गया। सो कभी भी अपने अंदर किसी भी नशे को मत जाने दीजिए। और एक बात याद रखिए, समुद्री जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ा जहाज क्यों ना हो, एक छोटा सा छेक, एक छोटा सा छेद, होल, उस पूरे के पूरे जहाज को डुबोने के लिए काफी है। सो एक बात याद रखिए, अपनी किश्ती में, अपने करेक्टर में छोटा सा छेद भी हमने नहीं करना। हमने नो मीन्स नो, हमने ट्राई नहीं करना। नेक्स्ट, खास तौर पर मैं बात करूंगा अफीम या अफीम से बने हुए नशे के बारे में। शराब ऐसा नशा है कि एक दिन में आप शराबी नहीं बन जाते, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। लेकिन जो अफीम से बने हुए जो नशे हैं, अफीम से क्या क्या बनता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। अफीम से बनता है डोडे, कुकी, अफीम इट्सेल्फ, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, ये सारे नशे जितने भी हैं ये अफीम से बनते हैं। और ये जो अफीम से बनने वाले नशे हैं, इनकी एडिक्टिव जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आप एक दिन भी ये नशा लगा लेते हैं, तो ये आपका जो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जो खुशी महसूस करने वाला आपके दिमाग में एक सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम है, ये उस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। उसके बाद आपकी जितनी भी सारी खुशियां हैं वो नशे पे ही डिपेंड करती हैं, और आप बार बार नशा करने को मजबूर हो जाते हो। अगर तीन दिन कोई आदमी हेरोइन ले लेता है या अफीम से बनी कोई भी पदार्थ ले लेता है, तो लगभग तीन दिन के बाद उस आदमी को क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, विदड्रॉल्स होने शुरू हो जाते हैं। सो कभी भी ऐसे नशों को ट्राई मत कीजिए। आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, तो आपको वहां से हट जाना है, आपको वहां से उठ जाना है, और ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है, क्योंकि वो आपको जानबूझकर फंसा रहे हैं। आपको नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन उस जो आदमी आपको लगा रहा है उसको तो इसकी इन्फॉर्मेशन है कि ये एडिक्टिव है और कितनी महंगी है और कितना नुकसान करती है। शुरू में आपको तीन दिन हफ्ता एक फ्री दी जाएगी, लेकिन याद रखिए बाद में इसका जो रेट है, प्राइस है, मैंने जैसे पहले ही बताया 3 से 4 हज़ार रुपये पर ग्राम। एक दिन का खर्चा 1500 से लेकर, अगर आप 2 महीने लगातार नशा करते हो, तो आपका एक दिन का खर्चा 1500 से 2000 के बीच बीच हो जाएगा। तो आप सोच कर देखिए, 30,000 से 45,000 के बीच आप एक महीने का कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए आपको सारे गलत काम करने पड़ते हैं। खास तौर पर मैं लड़कियों को जरूर ये बात समझानी चाहूंगा, कहना चाहूंगा अपनी बहनों को कि रजे आप यंग हो, हमारे पास एक फीमेल डिडिक्शन सेंटर भी है जहाँ पर लड़कियां ही दाखिल की जाती हैं। कपूरथला में फर्स्ट डिडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, तो हमारे पास बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं जिनको हम मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो जब भी लड़कियां नशे पे लगी, उसका मेन रीजन क्या था, उनके बॉयफ्रेंड ने उनको लगाया, उनको कहा कि नशा कर ले, तो बेसिकली वो क्यों लगाया गया। सो बाद में लड़कियां पैसा कहाँ से लाएंगी, तो इस चीज का मिस यूज करके आप समझ सकते हैं, तो उनको गलत ट्रैक पे लाया जाता है। सो आप लड़की हैं, आपका कोई भी बॉयफ्रेंड है, कोई फ्रेंड है, आप कभी भी ऐसे नशे पे मत लगिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, पूरी फैमिली को बहुत परेशानी होती है। सो इसको एक बार भी ट्राई किया तो आप फंस जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप यंग हो, यूथ हो, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार ना हम सारा लेक्चर भूल जाते हैं, लेकिन कई बार सुनी हुई छोटी सी कहानी हमें याद रहती है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये केस स्टडी है एक रियल पेशेंट के, मेरे अपने क्लाइंट के।
तो ऐसे ही ग्रेजुएशन के बाद लड़के थे, उनकी एग्जाम वगैरह खत्म हुए थे, ये 4 साल पुरानी बात है। तो वो लड़के गए अपना एग्जाम के बाद, उन्होंने प्लान किया कि चलो घूम के आते हैं, बाइक पे जाते हैं और तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तो कुछ उन्होंने एक धार्मिक जगह चुनी और बाइक के आगे झंडियां वगैरह लगाई, तो सबने गैंग, दो एक लड़का, उसके दो दोस्त, चार दोस्त, ऐसे ऐसे करके 15-20 लड़कों का ग्रुप बन गया। तो वो चल पड़े, ये लड़का कोई नशा नहीं करता था, बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। तो जब ये जा रहे थे रास्ते में, अब देखिए वो जो टूर था बहुत दूर का था और वहां पर जाने की लगभग 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। अब इतना बाइक चलाना हर आदमी के बस की बात तो होती नहीं, तो वो बाइक पर बैठ के जा रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कितना मैक्सिमम आप बाइक पे सफर कर सकते हो। तो एक लिमिट के बाद शरीर जवाब दे जाता। तो इस लड़के ने कहा कि भाई मेरे तो पेन हो रही है, मैं बाइक पे नहीं बैठ सकता, मुझे वापस जाना होगा, या यार रेस्ट करो, मैं आज इससे आगे नहीं जा सकता। तो क्या देखता है, जो बाकी लड़के हैं, 2-4 लड़के थे, वो साइड पे जाते थे, एक साइड पे जाते थे तो एक धुआं सा उड़ता था, वो कुछ करते थे फाइल पेपर के ऊपर, तो समझ तो आ रहा था कि नशा कर रहे हैं। तो वो 4-5 लड़कों ने किया और वो बड़े फ्रेश हो गए थे, हमें तो कोई पेन नहीं है। तो उन्होंने दूसरों को भी कहा, आ जाए यार, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऐसे करते करते लगभग सारे ग्रुप ने 2-3 लड़कों को छोड़कर एक एक करके लाइन लगा ली। तो अब एंड में जो ये लड़का था, जो मेरा क्लाइंट था, ये बच गया। तो इसको कहने लगे कि यार तू भी पी ले। तो इसने कहा कि मैं, मेरे से ऐसी बात नहीं करनी, आपने नशे के बारे में अगर आपने बात की तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, सो आपको आगे अकेले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, यार तू डर क्यों रहा है, हमने भी तो किया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या हो जाएगा, एक बार करने में क्या हर्जा। तो इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, ना एक बार ना दो बार, मैंने करना ही नहीं है। तो उनमें से एक और लड़का था, बड़ा चालाक था, उसने क्या कहा कि यार एक बात, मेरी बात सुन ध्यान से, तू दवाई खाता है, कभी ना कभी पेन किलर खाई होगी, दवाई खाई होगी। इस लड़के ने कहा कि हाँ मैं खाता हूँ दवाई, तो जब जरूरत पड़ती है। तो वो कहने लगे कि यार तू दवाई खाता है ना, तो दवाइयों में भी नशा होता है, सुना कि नहीं सुना। तो ये कहता, हाँ सुना, कई दवाइयों में होता है, जैसे कफ सिरप में होता है, कुडीन। तो उसने कहा, यार तू दवाई खाता है तब तो तू कहता नहीं, तो दवाई समझ के खा ले। वो कहता, मैं अभी, मैं मुझे जरूरत नहीं है। कहते, तुझे पेन हो रही है ना? वो बोले, हाँ पेन तो हो रही है। तो कहता, तुझे पेन हो रही है और ये दवाई है, तो ये दवाई समझ के खा ले और देख तुझे पेन नहीं होगी। तो इस लड़के ने सोचा, यार बात तो सही है, दवाइयों में भी नशा होता है, तो एक बार लेने में क्या हर्ज है, तो दवाई समझ के ही ले लेता हूँ। तो इस लड़के ने दवाई समझ कर उसको ले लिया और ये सोचा कि जब इनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या हो जाएगा। तो जब उसने एक लाइन लगाई तो उसको बड़ा मजा आया, उसकी सारी पेन गायब, क्योंकि अफीम से बड़ा इस दुनिया में कोई पेन किलर है ही नहीं। तो अफीम से बनी हुई चीज जब ली, हेरोइन ली, तो उसको कभी पेन बिल्कुल भी नहीं, वो शरीर बिल्कुल फ्रेश हो गया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो बाइक लेके सबसे आगे धूम मचाता हुआ आगे आगे आगे। तो अब अगले दिन की बात ये हुई, अगले दिन इसको क्रेविंग होनी शुरू हो गई। तो इसने खुद जाकर उनको कहा कि यार पेन हो रही है, लाओ मुझे दवाई दो, ये सोच के कि चलो आज ले लेते हैं और कल से नहीं लेंगे। तो ऐसे अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, 5-6 दिन का टूर था, ऐसे घूमते रहे और रोज दवाई समझ के लेता रहा। और जब घर आया तो फिर इसने सोचा कि यार पेन हो रही है, पेन शुरू होगी, विदड्रॉल्स आने शुरू हो गए। तो इसने दोस्त से पूछा, वो कहता है यार तुझे विदड्रॉल्स हो गए। तो इसने सोचा, चल कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा, 2 दिन पीऊंगा 4 दिन पीऊंगा, फिर ये एग्जाम के बाद छोड़ दूंगा, फिर सोचता होली के बाद छोड़ दूंगा, कभी सोचता दिवाली के बाद छोड़ दूंगा। करते 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 वो मेरे पास आके कहता है सर ये कल, आज 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 छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, करते करते 3 साल बीत गए, टाइम का पता भी नहीं चला। सो ये बात मैं आपको तो बता रहा हूँ कि जब भी देखो नशे पे लगते हैं तो ऐसे ही लगते हैं, कोई ना कोई आपको कहेगा एक बार पी ले, आप सोचोगे एक बार पी लेते हैं। सो ये जो हेरोइन है ये आपको होश भी नहीं आने देगी कि कब आपको लगी और कब आप में चेंजेस आने शुरू हो गए। और एक बात याद रखिए, साधु को नशे पे लगा दो, कई बार घर वाले आते हैं बड़े रोते हैं कि हमारा बच्चा ये नशे पे लगा दिया, वो नशे पे लगा दिया, ये चोरी करता है, हमसे लड़ता है। तो मैं कहता हूँ यार ये तो नशे की टेंडेंसी है, आप एक साधु को नशे पे लगा दो तो वो भी सारे हरकतें करेगा, वो चोरी भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो हेरा फेरी भी करेगा। सो नशा चीज ऐसी है जिसके अंदर चला गया तो उसके अंदर सारे चेंजेस आएंगे, सो प्लीज नेवर ट्राई। आगे चलते हैं, टाइम कम है तो हम इसलिए स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड मिथ, फॉर फन सेक, ये तो खुशी के मौके पे पैग लगाना तो जायज है। अक्सर गाने आते हैं आपने सुने होंगे, सोफिया दे हुंदे का दे ब्याह नहीं,
है ना। सो ऐसी चीजें आप सुनते रहते हैं, पैग ला के नचना, पैग ला के बांह फड़नी। सो ऐसी ऐसी चीजें हम अक्सर गानों में सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं कि पार्टी में पैग लगाना जायज है। और मैंने ऐसे लोग देखे जो खुद नहीं पीते, शादियों में स्टॉल लगे होते हैं। हमें हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि खुशी मनानी है तो आपको ये शराब वगैरह पीनी पड़ेगी, वरना आप खुशी प्रॉपर नहीं होती। लेकिन ये क्या है, ये सारे मिथ हैं। आप याद रखिए दो तरह के नशे होते हैं, इनको मैं शॉर्ट में करूं। एक होते हैं डिप्रेसेंट, एक होते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट वो नशे होते हैं जिनको पीने के बाद आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आप चुस्ती आ जाती है, आप में एनर्जी आ जाती है, आप ज्यादा खुशी महसूस करते हो। और कुछ नशे ऐसे होते हैं जो डिप्रेसेंट होते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और आपका मूड जो सैड करते हैं। आपको पता है कि शराब क्या है? वैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो शराब है, जो अल्कोहल है, वो एक डिप्रेसेंट है। सो आप लॉजिकली सोचकर देखिए, खुशी का मौका है, सब खुश हैं, लेकिन एक आदमी एक ऐसी दवाई पी रहा है जिसे पी के उसका दिमाग डिप्रेस हो जाए, उस सैड हो जाए, सुस्त हो जाए, तो ये लॉजिकली सही नहीं लगती बात। खुशी के मौके पर मैं दुखी होने वाली दवाई पी रहा हूँ, तो ये लॉजिकली सही जस्टिफिकेशन नहीं है। शराब पीने से आपका जो माइंड है वो नेगेटिव होता है, डिप्रेस होता है। सो लॉजिकली ये बिल्कुल भी एक मिथ है। सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और आप कोई एक मैरिज बताइए जहाँ पे शराब चली और बहुत अच्छा फन होगा। जितनी ज्यादा शराब चलती है उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो शराब के बिना भी खुशी मनाई जा सकती है। और एक ये देखिए, आप एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप इस ये एक बिफोर है और ये आफ्टर। आप खुद सोच कर देखिए कि खुशी के साथ नशे का किया, मेरी जिंदगी में खुशियां बढ़ गई। शुरू शुरू में लगता है एक 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 हाँ खुशी बढ़ रही है, बट रियलिटी क्या है कि आपकी जिंदगी में झूठ बढ़ जाता है, क्लेश बढ़ जाता है, खर्चे बढ़। सो दिस इज द रियलिटी। सो अगर आपको देखना तो एक और मैं एग्जांपल देनी चाह रहा हूँ, क्योंकि चीजें सुन के इतना समझ में नहीं आता जितना आप डायरेक्ट देख के समझ पाते हो। अब ये मेथैम्फेटामाइन के केस है, ये नवंबर 79 की पहली तस्वीर है, अगर आप देखेंगे, एक ही लड़की की है। और जुलाई 80 की तस्वीर है, एक साल बाद की। फिर अगस्त 80 की तस्वीर है, मार्च 81 की है, फिर जनवरी 82 की है, फिर मई 86 है, और लास्ट की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो जनवरी 89 की है। तो आप देखें तो 10 साल में इस लड़की का चेहरा कहां से कहां है। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या दिस इज अ फन, क्या ये सच में कोई मस्ती वाली चीज है जिसे मस्ती समझ रहे हैं आप, जिसे फन समझ रहे हैं। सो ये एक मिथ है जो आपको शुरू में सपने तो दिखाता है। ये शराब आपको आसमान तो देती है, लेकिन आपके जो पंख हैं वो काट लेती है। थर्ड मिथ, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये बहुत 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 कॉमन बहाने हैं, बहुत कॉमन चीज है जो आपने अक्सर सुनी होगी। बहुत सारे लड़के आते हैं, सर मैं तो पीता नहीं था, मेरा ब्रेकअप हो गया, उस चक्कर में मैंने पीना शुरू कर दिया। तो आप सोच कर देखिए कि ये जो नशे हैं इनसे दुख कम होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे किसी आदमी को जिसका दुख कम हुआ हो। हाँ, सिर्फ क्या होता है, आप टेम्परेरी तौर पर एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, सपनों के संसार में चले जाते हैं जहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नशा कितनी देर करोगे? जैसे ही नशा उतरेगा आपके सामने जो रियलिटी है फिर वहीं की वहीं खड़ी मिलेगी आपको। तो आपको कभी ना कभी तो फेस करनी होगी। तो आप जितना किसी समस्या से भागेंगे, समस्या छोटी नहीं होती, समस्या तो बड़ी होती जाएगी। सो आपको कभी ना कभी फेस करनी पड़ेगी। और एक बात, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी आप दिखा सकते हैं जिसकी जिंदगी में कभी समस्या ना आई हो, जिसके साथ धोखा ना हुआ हो? मैं नशा नहीं करता तो क्या हमारे ब्रेकअप नहीं हुए जिंदगी में कभी? क्या कभी धोखे नहीं हुए? क्या कभी नुकसान नहीं हुए? तो ये सारी चीजें सबके साथ होती हैं। लेकिन जो असली मर्द है, जो असली स्ट्रेंथफुल इंसान है, मेंटली हेल्दी है, वो इन चीजों को फेस करते हैं, उन चीजों से भागते नहीं है। सूरज जी, कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आपकी जिंदगी में आती है तो उससे भागिए मत, उसे फेस कीजिए। नशा किसी भी चीज का कोई सलूशन नहीं है।
और जैसे ही मैंने कहा कि हम फिल्मों में देखते हैं देवदास मूवीज टाइप, किसी का दिल टूट गया वो शराब पीने शुरू कर देते हैं और पंजाबी गाने सुने होंगे पांच तारा ठेके बेच बह के तारे सारा गुस्सा, तो ये चीजें ये मिथ है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एल्कोहल है एक डिप्रेसेंट है, आप पहले ही दुखी हो, आप ऊपर से शराब पी रहे हो तो वो क्या है, वो एक डिप्रेसेंट है। आप पहले दुखी हो, आप ऊपर से दुखी होने वाली दवाई पी रहे हो, आप जितनी मर्जी दवाइयां ले लो आप कभी भी ठीक नहीं होगा। जो आदमी दुखी है अगर वो शराब पी रहा है तो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, अगर उसकी लाइफ में मामूली सा भी स्ट्रेस है और वो शराब पीनी शुरू कर देता है तो वो ठीक नहीं होगा, उल्टा जो उसकी समस्या है जो उसका उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, वो एक मानसिक रोगी बन जाएगा, इवन की सुसाइड तक बात चली जाएगी। सो इवन के हम यही शर्त रखते हैं जब भी हमारे पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो हम उसको पहली बात यही कहते हैं कि कभी भी शराब आपने नहीं पीनी, अगर आप शराब पियोगे तो आपका इलाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर आप दवाई के साथ शराब पी रहे हो और डिप्रेशन है आपको तो आपका डिप्रेशन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इन शॉर्ट चाहे आप जो शराब है खुशी में पी रहे हो तो भी लॉजिकल नहीं, क्योंकि खुशी के मौके पर दुख करने वाली दवाई पीना एक लॉजिकली सही बात नहीं है, और दुख में भी दुखी करने वाली दवाई पीना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। तो ये अगर आप कोई कोई कहता है कि दुखी है तो शराब पी ले, ये कर ले वो कर ले, तो याद रखिए समस्याओं से भागने से समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती, आपको एक न एक दिन वो फेस करना ही पड़ेगा। और एक छोटी सी बात मैं कहूँ, इस दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं सहने पड़े, सबको आते हैं, इवन कि हम जिनको भगवान मानते हैं, आप देखिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हम पंजाब की धरती पे हैं तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो कुल अकाल पुरख कुल मालिक चलता फिरता परमात्मा इस धरती पे फिर रहा है, तो क्या उनको समस्याएं नहीं आई, ऐसा कौन सा दुख है जो उनको नहीं सहना पड़ा, उनके बच्चों के ऊपर क्या बीती, उनके माता पिता पे क्या बीती, उनको जंगलों में कैसे दिन बिताने पड़े। तो जब खुद परमात्मा को इस दुनिया में आके दुख सहने पड़ते हैं हर तरह के हालात सहने पड़ते हैं तो आप सोच कर देखिए कि हमारे ऊपर दुख क्यों नहीं आएंगे, तो हमें भी सहने पड़ेंगे। तो हम अरदास ये ना करें परमात्मा से कि हमें दुख ना आए, अरदास ये करें कि परमात्मा हमें दुख सहने के लायक बना, हम तेरी रजा में रह सकें बुरे से बुरे हालात में भी। सो ये दिल टूटना ये वो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं तो आप अपने किसी चाहने वाले से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, अगर आप फैमिली से नहीं बात कर सकते तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात कीजिए, आपको बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर अपने आसपास मिल जाएंगे। तो अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आप किसी की प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन नशे में कभी मत जाइए, ये आपको पूरी जिंदगी के लिए एक नरक में धकेल देगा। चौथा कारण जो मैं देखता हूँ नशे पे लगने का, यूथ क्यों नशे पे लगती है, उसका बड़ा रीजन है ग्लैमर फैक्टर। फिल्मों में बड़े अच्छे से गिलास पकड़ता है हीरो और बड़े अच्छे से सिप करता है, बहुत अच्छे गाने गाता है शराब पी के, रेड एंड व्हाइट की अब तो बैन हो गई है, अगर कोई 80 के आसपास का स्टूडेंट होगा जिसकी एज, हमारे टीचर्स ने तो जरूर देखा होगा ये ऐड, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ये अलग है, अक्षय कुमार ऐड करता था सिगरेट की, तो उसको देख के कई बच्चे इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये भी एक मिथ है, हमें जो दिखाया जाता है फिल्मों में कि शराब पी के आदमी बड़े अच्छे गाने गाता है बड़ी अच्छी बातें करता है, जावेद अख्तर का बहुत अच्छा एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, तो कहते फिल्मों में तो हीरो डायलॉग बड़े अच्छे बोलते हैं शराब पी के, लेकिन रियल लाइफ में देखो आदमी कैसा लगता है, या बेवकूफ या गधा। बेवकूफ क्यों, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। गधा क्यों, वो देखने में उसकी हालत देखो, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लग रही है तो आप डीडीसी सेंटर में आइए हमारे पास, हम आपको ये सारा कुछ दिखा सकते हैं लाइव। नेक्स्ट, आप देखिए एक बार, हमें लग रहा है कि नशे करने वाले को लग रहा है वो पता नहीं कितना बड़ा ग्लैमरस है, बट फैक्ट देखिए कैसे क्या होता है जिंदगी में। सो अगर आप इस चक्कर में पी रहे हैं, देखिए तीन शब्द हैं, शान, पंजाबी में अगर आप लिखेंगे शान, शुरू शुरू में आदमी को लगता है कि नशा शान है, इसमें शान वाली बात है, धीरे धीरे जब उसका आदि हो जाता है उसको पता चलता है यार ये तो नशा है, ये तो मुझे नशा लग गया, ये तो मुझे लत लग गई, और एंड में पता चलता है कि यार ये नाश है। शान बनता है, फिर नशा, फिर एंड में पता चलता है ये तो नाश है। सो इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, ये हमारी बेवकूफी है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो ये आपकी स्क्रीन पे कुछ मैं बिफोर आफ्टर पिक्स हैं, ऊपर वाली जो पिक है वो पहले की है, नशा करने से पहले की है,
और जो नीचे वाली तस्वीरें हैं वो नशा करने के बाद है। सो आप खुद देखिए, जो फर्स्ट तस्वीर है जनवरी 2008 में इस लड़की की ली गई है और अगस्त 2008 में ली गई है। सो आप देखिए एक बार खुद ही इन चेहरों को, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, तो इज इट ग्लैमरस? आप अगर आपको यकीन नहीं आता, मेरे पास आइए, मैं आपको ऐसे ऐसे लड़के दिखाऊंगा, उनकी नशे करने से पहले की तस्वीरें और जब वो नशे पे लगे उनकी बात की जिंदगी। सो नशे से कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता जो दिखता। रीजन, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखे हैं जो नशे पे लग गए, कबड्डी प्लेयर, जिम जाने वाले। जब उनसे पूछा जाता है कि यार तू नशे पे कैसे लगा, तो ज्यादातर लोगों का नशे पे लगने का कारण ये था, जिम में जाते हैं देखते हैं कि यार दूसरा आदमी बड़े डंबल लगा रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़े डोले शोले बना लिए, तो वो चाहते हैं कि हमारे भी डोले बन जाए इतनी जल्दी, हम भी अच्छी कबड्डी खेलें। तो वो क्या करते हैं, उनसे पूछा कि भैया आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो वो कहता है यार देख एक लाइन लगा फिर देख तेरा स्टेमिना कितना बढ़ जाएगा, तू एक एक थोड़ी सी अफीम खा और फिर रेट डालना, कबड्डी खेलना, फिर देखना तेरा स्टेमिना कितना अच्छा हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सच है, ये सच है कि जब भी आप एक बार नशा करके जिम लगाओगे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, आप कबड्डी खेलोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी टेक्निकल बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। जो ये नशा है अफीम से बना, ये एक पेन किलर है, ये आपको दर्द नहीं महसूस होने देता। आप सोच कर देखिए, अगर आपको थकावट ही ना हो तो आप जिम में कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप 10 पुशअप लगा सकते हैं तो अगर आपको पेन ही ना हो तो आप कितने पुशअप लगा लोगे। तो आपको लग रहा है कि आपका स्टेमिना बढ़ गया, पर वो स्टेमिना नहीं बढ़ा, वो बस क्या है, आपकी पेन महसूस करने की शक्ति कम हो गई है, जिस वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पेन भी हो रही है, आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप अपनी बॉडी का जो जो नेचुरल सिस्टम है उसको पास करके आप मेहनत कर रहे हैं। एक बार आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन याद रखिए साल के अंदर अंदर आपका शरीर दोबारा झड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी Am I audible, everyone? Yes, ma'am, you are audible. I think sir got disconnected. कोई network issue हो गया होना। Okay, so he'll connect it again. थोड़ा जहाँ पर गल कर लेने हैं इतनी देर ते। I hope you are liking it. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਨਵਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। Anyone, please give me some feedback. Are you liking it? Ma'am, sir ka system restart ho gaya tha. He is getting back online within 1 or 2 minutes. Okay. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करेंगे, सो उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउट सेशन, बिकॉज़ फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। आई नो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिसन, इतने बड़े वाला सेशन आई कैन अंडरस्टैंड, सो थोड़ा डाउट सेशन सो दैट सब आप सब लोग चार्ज हो जाएं।
ओके दैट्स रियली नाइस दैट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच कविता अगर तुसी इस तरह दे फीडबैक दोगे सो दैट असी अगे नेक्स्ट भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकते हैं आई थिंक आवर एक्सपर्ट इज बैक सर आई वांट टू मेक वन रिक्वेस्ट आप अगर थोड़ा जा कट शॉर्ट कर दिए बिकॉज आई वॉन्ट कि थोड़ा डाउट सैशन ले लिए बच्चों का ठीक है जी मैं 10 मिनट च निबेड़ दवा हां जी उस बाद थोड़ा जा आई वांट कि डाउट सेशन इंटरएक्टिव थोड़ा होवे बिकॉज एना दे भी कुछ क्वेरीज होएंगीयां सो जल्दी जल्दी आप थोड़ा जा इनू मूव करिए मैं 10 मिनट में इसको खत्म करता हूं ओके हां जी शैल आई स्टार्ट नाउ हां जी सर प्लीज कैरी ऑन यस ठीक है जी तो ये जो स्टैमिना बढ़ाने के लिए शुरू में लगता है लेकिन बाद में ये आपको जो गेम खेलते हैं वो भी चली जाएगी सब कुछ चला जाएगा सो बेटर यही है कि आप इसको इस तरह के शॉर्टकट ना इस्तेमाल करें और सिक्स्थ क्या है कि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल चेक करने के लिए कई लोग नशा शुरू कर देते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा एक हमारे पुलिस का एक जवान हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आया तो मैंने उससे पूछा यार तू स्मार्ट भी है इंटेलिजेंट भी है पढ़ा लिखा है अच्छी जॉब है तो तू कैसे शुरू हो गया तो उसने मुझे बताया कि कहता हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो उस ट्रेनिंग में एक लड़का नशा करते था मैं उसको समझाने लगा कि यार तू नशा मत किया कर तो ये तुझे बर्बाद कर देगा तो कहता उसने मेरे सामने एक शर्त रखी कहता ऐसे करते हैं तू सही कहता है कि नशा छोड़ देना चाहिए गलत चीज है तो ऐसे करते तू 3 दिन मेरे साथ नशा पी उसके बाद हम दोनों इकट्ठे छोड़ देंगे तो इसने सोचा कि यार अगर उस लड़के का भला होता उसकी जिंदगी संवरती है कि 3 दिन मेरा नशा करने से तो क्यों ना मैं उसकी जिंदगी बदलने के लिए मैं नशा कर लूं और मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी उसकी भी बदल जाएगी तो उस लड़के ने 3 दिन के लिए नशा करना शुरू किया और बाद में क्या हुआ तो होना क्या था तो वो भी उसके साथ बैठ के नशा करना शुरू हो गया और छोड़ने की बात कहता आई गई होगी तो मैं भी उसके साथ नशे पे लग गया तो कभी भी सेल्फ कंट्रोल चेक नहीं करना इस कबड्डी में आज तक कोई नहीं जीता अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप इसमें फंसेंगे और प्रॉब्लम आएगी 7th रीजन सबसे बड़ा रीजन है आप सब यंग हैं आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा रीजन है कि लड़कों में अगर आप देखेंगे 70% के आसपास लोग जो हेरोइन पी रहे हैं उनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सेक्स पावर इंप्रूव करने के लिए वो नशा करते हैं शुरू में उनको यही बताया जाता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे यही बतानी चाहूंगा शुरू में हो सकता है आपको लगे बहुत अच्छे रिजल्ट आए आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पावर बढ़ गई है लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ कुछ टेम्परेरी चेंजेस हैं बाद में आपको बहुत बड़ी समस्याएं सहनी पड़ेंगी आपका स्पर्म काउंट कम हो जाना है और आप बिना नशे के कुछ भी नहीं कर पाएंगे सो बेटर यही है कि ऐसे शॉर्टकट मत लीजिए आप अगर एग्जांपल देखनी चाहते हैं तो आज छोटे से छोटे शहर में इनफर्टिलिटी सेंटर खुले हुए हैं उसका रीजन यही है कि जितना ज्यादा नशा बढ़ेगा उतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी बढ़ रही है सो बेस्ट यही है कि ऐसे चक्रों में मत पड़े ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट है लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स लाइफ में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का ये भी रीजन होता है नशा करने का कि हॉस्टल में स्टूडेंट्स ने दूसरों ने कहा कि यार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो तू थोड़ा सा ये नशा कर ले तो वो इस चक्कर में नशे पे लगे लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ वो चाहते थे कि नशा करके उनके नंबर बढ़ जाए मार्क्स बढ़ जाए लेकिन रिजल्ट क्या हुआ तो नंबर तो क्या बढ़ने थे उनकी पढ़ाई छूट गई सो बेटर ये है कि ऐसे शॉर्टकट ना लें 9th सॉफ्ट ड्रग या सेफ ड्रग्स ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है आपको लग रहा है कि यार बीयर पीने में क्या हर्ज है सिगरेट पीने में क्या हर्ज है ये तो सॉफ्ट ड्रग्स हैं ये तो कोई भी ले सकता है कई बार आपको फंसाने के लिए आपके फ्रेंड्स कहेंगे यार यू आर मम्मा बॉय यू आर है ना तो ऐसे चक्कर में मत पड़िए टोबैको के नुकसान आपने सबने पढ़े हैं इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा 1200 ज्यादा हानिकारक केमिकल होते हैं एक सिगरेट में ये आपने सबने देखा है पढ़े लिखे हो आप है ना सो ये आप ऑनलाइन देख सकते हो तो इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा तो एक सबसे सेफ नशा आप सिगरेट को मानते हैं लेकिन उसके नुकसान के बारे में हम थोड़ा सा साइंटिफिकली थोड़ा देखते हैं ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ये CNN नवंबर 2013 के जो रिसर्च पेपर या आपको CNN की न्यूज मिल जाएगी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पे OU studied the physical difference between the faces of non-smoker and their twins so एक स्टडी हुई ट्विंस पे जो आइडेंटिकल ट्विंस थे
उन ट्विंस में से एक नशा कर सिगरेट कर पीता था, स्मोकिंग करता था और दूसरा नहीं करता था, तो उनमें जो रिजल्ट या उनके जो चेहरे में जो डिफरेंस देखे गए वो कई तरह के आए। एक तो उनकी जो एज ज्यादा दिखती थी, उनके जो लिप्स के अराउंड रिंकल्स थे ज्यादा थे, आंखों के नीचे जो बैग्स होते हैं वहां पे जिसे हम कह देते हैं स्वेलिंग थी, और चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स थे। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी, आपने सुन ली, लेकिन इस पे यकीन नहीं आता, तो इसको यकीन मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैं आपको आने वाले अगली स्लाइड्स में तस्वीरें दिखाऊंगा, उसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये ट्विंस हैं, एक नॉन स्मोकर है एक स्मोकर है, आप इनके चेहरे में अंतर देख सकते हैं, बहुत क्लियर अंतर है, ये जस्टिफाई आप खुद ही देख लीजिए ये बात कितनी सच है। तो ये आप और देख सकते हैं, ये सिर्फ सिगरेट की बात कर रहा हूं मैं, स्मोकिंग की बात है जिसे हम सबसे छोटा नशा मानते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। ये सिर्फ सिगरेट की बात है, आप सोच कर देखिए जो दूसरे नशे उनका कितना नुकसान होता हो। सो नशा नशा ही होता है, ये तो मैं आपको सिर्फ जिसको आप सबसे इजी नशा मानते हो उसकी बात है, लेकिन नशा कोई भी हो नशा नशा ही होता है। सो एडिक्शन इज एडिक्शन, सो बेटर यही है कि किसी भी नशे को आप ट्राई मत कीजिए। नेक्स्ट, हो सकता है आप में से कुछ यंग लड़के हों लड़कियां हों जिन्होंने नशा ट्राई किया हुआ है या नशा करते हैं, लेकिन वो कहेंगे कि हम तो शौकिया पी रहे हैं, हमें लगा नहीं हुआ, वी आर नॉट एडिक्ट, आई एम नॉट एडिक्ट। तो मैं आपको एक ही चैलेंज कहूंगा, ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपको ये नशा नहीं लगा हुआ, आप शौक से पी रहे हैं, तो सिर्फ एक ही चैलेंज है, तो आप छोड़ कर दिखाइए। अगर आपको लगा नहीं हुआ तो फिर तो छोड़ना बहुत आसान है, आपको नशे की ताकत का पहली बार तभी एहसास होगा जब आप इसको छोड़ने का प्रयास करेंगे, वरना आपको लगेगा कि मुझे लगा नहीं हुआ। जब आप छोड़ने लगते हो तो तब आपको पता चलता है ये लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सो बेटर यही है जितनी जल्दी इसको छोड़ सकें छोड़ दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारा काम ऐसा है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नशे के बिना नहीं किया जा सकता। मैं हर तरह के लोगों से मिला है, हर तरह के प्रोफेशन के लोगों से मिला हूँ जो कभी नशा नहीं करते लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन अजमा के देखना है, तो मैं फिर रिपीट करूंगा, नेवर ट्राई, कभी भी अजमाने की कोशिश मत कीजिए। सो ऐसी गलती नहीं करनी। इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं इसके इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। एक सबसे ज्यादा बात है अखबारों में जब भी चर्चा होती है, टीवी पे जब भी चर्चा होती है, नशा क्यों कर रहे हैं यूथ, तो वहां पे आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट है जी, रोजगार नहीं है। तो मैं ये भी एक बात आपसे आज कहनी चाहूंगा कि रजे ये भी एक मिथ है, रोजगार के बहुत सारे मौके हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक बाद में शेयर कर देता हूँ। तो आज के दिन मैं आपको सिर्फ कुछ किताबों की बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट में जॉब नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पांच छह जो किताबें मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं इनको जरूर पढ़िए। सबसे पहली किताब मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें रिच डैड पुअर डैड, बहुत प्यारी किताब है, आपका पैसे के बारे में नजरिया बदल देगी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आपको पता चलेगा कि जो माइंड है वो माइंड सेट है वही आपके पैसे को डिफाइन करता है। और एक चीज है थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत बड़ी अच्छी है। कॉपी कैट मार्केटिंग 101, ये ऐसे ऐसी सारी बुक्स हैं जो बड़ी अच्छी हैं, जो आपको जॉब के रिलेटेड आपके माइंडसेट को बदल देंगी। सो पढ़ाई के साथ साथ हो सके तो ये किताबें जरूर पढ़िए, एक भी किताब पढ़ी तो आपका माइंडसेट हर चीज को लेके बदल जाएगा। सो अगर आप कोई कहता है कि मैं इस वजह से नशे पे लगा तो वो गलत चीज है। तो इन चीजों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, एडिक्शन वर्सेस हैबिट। सो एक चीज और, एक आदमी नशे पे लग गया है तो हमें लगता है कि शायद यार वो विल पावर से नशा छूट जाएगा, तो याद रखिए नशा विल पावर से नहीं छूटता। अभी मैं थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूँ, अक्सर मैं अपने सेमिनार्स में एक सवाल पूछता हूँ, नशा आदत है या बीमारी? तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग जवाब होते हैं, बहुत सारे लोग का मानना है ये आदत है, बुरी आदत है, और कुछ का मानना है ये बीमारी है। तो इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ, पहली जो दो स्टेजेस हैं यूज एंड अब्यूज, इसमें नशा आदत है, आदमी छोड़ भी सकता है अपनी मर्जी से, लगा भी सकता है, इसको समझाया जाए तो ये बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ सकता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है जिसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं या एडिक्शन बोलते हैं, उस अगर आपको समझे या डराने से बात बन जाएगी तो ये आपकी गलतफहमी है, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो सो लास्ट में मिथ वर्सेस ट्रीटमेंट के बारे में एक मिनट में लूंगा, ज्यादा नहीं मैं लूंगा।
जैसे मैंने पहले बता दिया कि विल पावर से काम नहीं बनने वाला, अगर कोई एडिक्शन में है तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको दवाई भी चाहिए और दवाई प्लस काउंसलिंग दोनों चीजें मिलकर चलेंगे तो काम होगा। एक चीज फिर लोग कहते हैं अगर ट्रीटमेंट है तो लोग ठीक क्यों नहीं होते, तो याद रखिए मरीज का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो भी जरूरी है। अगर मरीज थोड़ा विलिंग हो, और फिर देखिए एक चीज में हम हमारे मैं अक्सर समझाता हूँ पेरेंट्स को, एक पेशेंट का मन 1% है ठीक होने का, 99% वो ठीक नहीं होना चाहता। उस पेशेंट को जिसकी मोटिवेशन एक बार आ चुकी है उसको 10 किया जा सकता है, 10 वाले को 50 किया जा सकता है और 50 वाले को 100 किया जा सकता है। लेकिन जो आदमी जीरो पे है मैंने ठीक ही नहीं होना, तो उसको जीरो से एक भी नहीं किया जा सकता। सो जीरो से एक अगर आ गया पेशेंट ठीक किया जा सकता है। सो थोड़ा सा पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होती है। लास्ट, रिलैप्स इज नॉट इक्वल टू फेल। मरीज इलाज लेता है फिर जाके नशे पे लग जाता है, हमें लगता है वो फेल हो गया और हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं ये ठीक नहीं होने वाला, तो ऐसी बातें मत कीजिए। रिलैप्स एक कॉमन चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा हम एग्जाम में बैठता फेल हो जाता है, तो हम ये नहीं कहते कि तू यार पढ़ना नहीं चाहता, तू फेल हो जाता है, तू नलायक है। हम उसको ट्यूशन देते हैं, हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो अगर कोई रिलैप्स हो रहा है बार बार तो उसको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान की जरूरत है। और एक चीज़, रिलैप्स सिर्फ नशे में नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें रिलैप्स होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सब में रिलैप्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने वेट कम करना है, आप देखो कितनी बार आप कम कर लेते हो फिर बढ़ जाता है, फिर कम करते हो फिर बढ़ जाता है। सो ये बिल्कुल वैसा ही डिसऑर्डर है। शुगर में आप देखिए क्रॉनिक डिसऑर्डर है। सो नशे को लेकर हम नेगेटिव होते हैं, लेकिन याद रखिए रिलैप्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आप प्रोफेशनल